वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल नॉलेज में। दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम शेप्स का इस्तेमाल करेंगे और शेप्स को कैसे हम फॉर्मेट कर पाएंगे। तो हम पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। यह हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। तो शेप्स इंसर्ट करने के लिए हमको जाना पड़ेगा रिबन टैब्स में। आप जैसे जानते हो रिबन टैब्स, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इसमें हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट में दोस्तों बहुत सारे टूल्स हैं, पिक्चर, चार्ट, स्मार्ट आर्ट। तो हम इसमें जाएंगे शेप्स के अंदर। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे शेप्स हैं, लाइंस, बेसिक शेप्स और ब्लॉक एरोस इत्यादि। तो कोई भी शेप को यूज़ करने के लिए हमें उस शेप पे क्लिक करना पड़ेगा। आप देख सकते हो मैंने एक शेप ले लिया है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट वाला क्लिक प्रेस करके पेज पे ड्रैग करना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ा साइज़ में आ जाएगा। तो दोस्तों साइज़ आने के बाद अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहते हो तो राइट क्लिक प्रेस करने के बाद ऐड टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए। ऐड टेक्स्ट सेलेक्ट करने पर आपको कोई भी फॉन्ट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। शेप के अंदर हम फॉन्ट को टाइप करने के बाद हम इसको स्टाइल भी कर सकते हैं। होम में जाके हम इसको स्टाइल कर लेते हैं और साइज़ को बढ़ा लेते हैं, और इसको मैंने सेंटर में भी कर लिया है। तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मेट भी ओपन हो चुका है। तो हम फॉर्मेट में बहुत सारे स्टाइल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको कलर कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल्स बोल के ऑप्शन में हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जैसे देख सकते हो मैं इसको कलर कर चुका हूँ। तो कलर इस्तेमाल करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं और दूसरा कोई शेप्स लेता हूँ दोस्तों। ये मैंने ले लिया है स्क्वायर। अगला मैं लेता हूँ ट्रायंगल। ट्रायंगल शेप को भी मैंने इंसर्ट कर लिया है। और आगे बढ़ते हैं और एक शेप लेते हैं दोस्तों। ये मैं बॉक्स टाइप एक शेप को ले रहा हूँ। तो आप जैसे देख सकते हो हर शेप्स पे मैं क्लिक करके राइट क्लिक और ऐड टेक्स्ट करने पे हमको कोई भी फॉन्ट टाइप कर सकते हैं। तो मैं सब में भी एक एक फॉन्ट टाइप कर लिया हूँ। और इसको भी मैं कलर कर देता हूँ। तो आप बहुत सारे कलर हैं इसमें, आप कोई भी कलर आप इस्तेमाल कर सकते हो। और शेप फिल की हेल्प से भी आप कोई भी सॉलिड कलर इस्तेमाल कर सकते हो। और कलर्स सेलेक्ट होने के बाद आप इसको भी अलाइन कर लीजिए। मैं आप जैसे कि देख सकते हो मैं होम का इस्तेमाल करके और सेलेक्ट करके मैं इन सभी को सेंटर में ला रहा हूँ। और आप टेक्स्ट को एंटर कर करके भी आप मिडल में ला सकते हो। तो ये सब अलाइनमेंट है, आप जैसा अलाइन करोगे उतना अच्छा दिखेगा। तो दोस्तों ऐसे ही हम वीडियोस लाते रहेंगे। अगले वीडियो में मैं इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी आपको दूंगा। यही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।